और ऐसी बेहिस हुकूमत है जो महंगाई करके भी कहती है उन्होंने आवाम पर एहसान कर दिया। इमरान खान कहा करते थे जब कीमतें बढ़ें तो समझ लेना वजीर आजम चोर है। आज हर चीज़ की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं, बताएं कौन चोर है। फैसलाबाद जलसे में मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ घनगरज, पोलिंग इस हुकूमत के वज़रा आवाम के नवाले तक गिनते हैं लेकिन अपनी लूट मार का हिसाब देने को तैयार नहीं। पेंडोरा पेपर्स में तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर आती है मगर पैनामा लीक्स जैसी JITs बनी ना ही तहकीकात हुई। बोली नवाज शरीफ की पर्ची पढ़ने पर तंज करने वालों को पर्ची भी ठीक नहीं पढ़ना आती। एक शख्स था जिसका नाम था इमरान खान, वो कहा करता था जब आटा महंगा हो जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है। चीनी 130 को भी क्रॉस कर गई तो फैसलाबाद वालों बताओ चोर कौन हुआ। पेट्रोल 138 रुपए लीटर है तो चोर कौन है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे आवाम को दो नफल शुक्राने के पढ़ने चाहिए कि इमरान खान ने आवाम की सात नस्लों पर बड़ा एहसान किया। जब अपने घर का दरवाजा खोलते हो तो सर पर नौकरियां आती गिरती है या नहीं गिरती। जब अपना हिसाब किताब देने की बारी आई तो नैब का पूरे का पूरा कानून ही बदल दिया और इमरान खान की जमात पेंडोरा पेपर्स में अव्वल नंबर पर आई है। अव्वल नंबर पर कौम को सुनने को मिला कि इसमें इमरान खान का नाम नहीं है। कभी सुना है कि चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है। इमरान खान की बारी आई तो सिर्फ फौज के इदारे पे हमला नहीं किया बल्कि फौज के इदारे पे खुद कुछ हमला किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।